दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ कलरफुल हो, तो हम ऐसा फोटोशॉप में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल जाना है फिल्टर में और ओपन कर लेना है कैमरा रॉ फिल्टर। ओके दोस्तों, कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करने के बाद आपको जाना है HSCL एडजस्टमेंट में। ओके जाने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिखेंगे, तो आपको क्लिक करना है सैचुरेशन पे। ओके सैचुरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको आपके बैकग्राउंड का कलर देखना है। ओके जो हमने फोटो ओपन कर रखा था उसका बैकग्राउंड का कलर देखना है, तो इस फोटो का बैकग्राउंड का कलर है ग्रीन। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ग्रीन ऑप्शन है इसका जो कलर है पूरी तरह से कम करूंगा। ओके तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ग्रीन कलर को कम किया है, जो हमारा जो बैकग्राउंड है ये पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसका एक ड्रॉबैक है, देखो अगर हमारे ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी ग्रीन कलर रहेगा तो वो जो कलर है वो भी थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो फ्लैग है इसके ऊपर का जो ग्रीन कलर है ये भी थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो कुछ इस तरह से आप सिर्फ एक ही क्लिक में किसी भी इमेज का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते है और जो ऑब्जेक्ट है उसे कलर रख सकते है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।